तो उसके लिए जा रहे हैं तो वो 11,000 पोल था, उसमें अर्थ आ गया था, बारिश हो रहा था। अच्छा अच्छा जी, उसी के चपेट में आ गए। सुने, मुझे लगा कि यहाँ आना चाहिए, और हम सब परिवार हैं और इनके साथ हैं दुख की घड़ी में। उसी दिन टिकट था उनका, उसी दिन जाने वाले थे, टिकट था 11 बजे और रात में गाड़ी था पटना में। दुर्भाग्यपूर्ण जी, सब बिजली विभाग का लापरवाही है कि कहीं पोल ऐसे है तो कहीं तार लटका हुआ है। नवादा में, शेखपुरा में बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है सिर्फ बिजली विभाग के लापरवाही से। ये बिजली विभाग का लापरवाही है, कर्जे समझिए। हम एकदम एक एक जहां भी दुख होगा, समस्या होगा, उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। आप उस परिवार की स्थिति को आप खुद समझ सकते हैं जिस परिवार का मुखिया इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के अकौना गांव में मौजूद हैं और इसी घर के एक सदस्य जो इस घर के पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, लगने से मौत हो गया। कौन सा गाँव है? अकौना जूरी पगरी बर्मा प्रखंड है, जूरी पंचायत, ग्राम अकौना। क्या घटना यहाँ घटा था? यहाँ घटना ये हुआ है सर, 8 तारीख को घटना हुआ है, करीब 6 बजे से पहले शौच के लिए वो निकल रहे थे। कौन? मेरा अंकल। क्या नाम था? स्वर्गीय भुवनेश्वर माथो। अच्छा जी। और निकल रहे थे और शौच के लिए जा रहे हैं तो वो 11,000 पोल था, उसमें अर्थ आ गया था, बारिश हो रहा था। अच्छा अच्छा जी, उसी के चपेट में आ गए और वहाँ पे आसपास में कोई नहीं था। वो करते क्या थे? वो बाहर में मजदूरी लग काम करते थे। अच्छा, किसी दूसरे प्रदेश में? जी, मुंबई में रहते थे। अच्छा, उसी कब आए थे मुंबई से? अभी तो 8 दिन आया हुआ, तो धान रोपने के लिए आए थे, धान खेती करने के लिए जी। और उसी दिन टिकट था उनका, उसी दिन जाने वाले थे, टिकट था 11 बजे और रात में गाड़ी था पटना में। दुर्भाग्यपूर्ण जी, बहुत दुखद घटना है सर। कितने बच्चे उनके हैं? 2 बच्चे हैं, 2 बच्ची। 4 बच्चे जी। कैसे बच्चों का भरण पोषण होगा? अब कैसे होगा, अब इसीलिए तो हम लोग गुहार लगा रहे हैं ना जी, इसीलिए तो गुहार लगाए, मदद मांग रहे हैं। क्या लगता है किसकी लापरवाही के कारण जान चली गई? ये बिजली विभाग की लापरवाही है, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जी। शायद ये पहली कोई घटना नहीं है। बहुत लूज है सर, तार बहुत लूज है, 11,000 आप देख सकते हैं। शायद ये कोई पहली घटना नहीं है, अक्सर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। हाल के दिनों में नवादा में भी बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लोगों की जान गई थी, शेखपुरा में भी बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यज्ञ के दौरान मौत हुआ था, और एक बार फिर से अकौना गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण भुवनेश्वर महतो की मौत हुई है। इस परिवार से आज मुलाकात करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह पहुंचे हैं, इसके दुख दर्द को बांटने के लिए ये आज इस घर में आए हैं, उन 4 बच्चों की चिंता को लेकर कि आखिर उस परिवार का भरण पोषण अब कौन करेगा। हकीकत भी कुछ ऐसा ही है कि उन बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उन बच्चों का भरण पोषण होगा, वही तो सोच का विषय है। और जब से हम सुने, मुझे लगा कि यहाँ आना चाहिए, और हम सब परिवार हैं और इनके साथ हैं, दुख की घड़ी में हमसे जो होगा आर्थिक मदद भी करेंगे, और प्लस अब तो ईश्वर से ही कहेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, आत्मा को शांति दें, और इनके परिजनों को हिम्मत दें कि इस दुख की घड़ी में वो सह सके इस दुख को। बाकी तो देख ही रहे हैं कि ये दुख जो है मांगा हुआ दुख है, ये सब बिजली विभाग का लापरवाही है कि कहीं पोल ऐसे है तो कहीं तार लटका हुआ है। नवादा में, शेखपुरा में बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है सिर्फ बिजली विभाग के लापरवाही से। पता नहीं कब सुनेगा लोग और कब ये पोल सीधा होगा, नंगा तार को कब कवरेज किया जाएगा। कवर अगर हो जाता तो ऐसा घटना भी नहीं होता। आजकल ये सब पर ध्यान ही नहीं हो रहा है कहीं पर। शायद किसी विभाग के पदाधिकारी के घर में ऐसा होता तब ना उन्हें मालूम चलता। बहुत दुख होता फिर तुरंत तार कवर होने लगता। यही तो मंत्री के घर में ऐसा होता, बहुत दुख हो जाता। आज तक बिजली विभाग की लापरवाही से किसी नेता या किसी पदाधिकारी के बच्चों को मरते देखे हैं? ऐसा तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जागने की जरूरत है, और इस दुख की घड़ी में हम लोग को एक साथ होकर के हम लोग बात करेंगे बिजली विभाग से भी कि थोड़ा जहाँ देखे से पूरा में जो घटना हुआ यज्ञ के दौरान, यज्ञ के दौरान कितना बड़ा घटना हो गया, लोग खुशी से वहाँ भी तार था, ऐसे इतना दूर पे अब हाथ ऐसे करते ही लोग तार को छू देता है, तो क्या है ये, इतना नज़दीक में 11,000 और 33,000 पावर रहेगा तो इसी आदमी को खींच लेगा। तो ये बहुत दुखद घटना है। यहाँ तो अर्थिंग में ही करंट था, बेचारे मुंबई जाने वाले थे कमाने खाने वाले, जाने वाले थे। कमाने खाने वाले लोग हैं, चार छोटे बच्चे हैं। यहाँ तो कोई घटना होता है मुझे लोग तुरंत भेजता है, मेरे से उम्मीद है लोगों को, और हम
तो गुंजन सिंह कर्ज खाए हैं क्या नवादा के लोगों का? अरे यहाँ मेरा घर है तो हम जरूर इस कर्जे समझिए, हम एकदम एक एक जहाँ भी दुख होगा समस्या होगा उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। आप सोने तो पहुँच गया और जनप्रतिनिधि तो यहाँ नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब छोड़िए कौन नहीं आ रहे, हमको तो ये देखना है कि मेरा घर है तो मुझे ही देखना है, मुझे मेरा दायित्व है कि हम सब जगह पहुँचे और दुख की घड़ी में आज ऐसे देख रहे हैं कल वैसे भी रहेंगे तो ऐसे में देखेंगे। अभी तो कोई राजनीतिक पद पे नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन समस्याओं का अंबार देखने को मिला। हाँ हम तो समस्या कुछ दिन बाद सुनेंगे भी सबका और लिखाएगा समस्या कहाँ क्या समस्या है उसको दूर करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह है और इन्होंने वादा किया है कि समस्याओं का निदान किया जाएगा, समस्याओं को लिखा जाएगा, उसका निष्पादन किया जाएगा। इधर उनकी पत्नी है, अब आप खुद समझ सकते हैं इनके सर पे चार बच्चों की जवाबदेही आ गई है, उनका भरण पोषण करना होगा। स्वाभाविक सी बात है इस घर का मुखिया चला गया, आप खुद समझ सकते हैं कि जिस घर का कमाऊ सदस्य दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे उस पर क्या बीत रहा होगा। ये उनकी पत्नी है, जब जब वो याद करते हैं तो निश्चित तौर पे इनके आँखों से आंसू आ जाता है और ये दुखों का पहाड़ इस पूरे परिवार पर टूटा है। और इस दुख की घड़ी में भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह इस गाँव में पहुँचे हैं। खास बात तो ये है कि जो जिस भुवनेश्वर महतो की मौत हुई थी वो एक कमाऊ सदस्य थे, वो दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी का काम करते थे और उसी मजदूरी से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही ने उनको मौत के घाट उतार दिया।